दोस्तों अगर आप अपनी बियर्ड एंड मुस्टैचेस के लिए कोई अच्छी सी वैक्स ढूंढ रहे हो तो आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बियर्डो की नई वैक्स का रिव्यू जो कि खास दाढ़ी एंड मूछों के लिए बनाई गई है। तो मैं इसको पिछले काफ़ी दिनों से यूज़ करके देख रहा था तो कैसा होल्ड ये प्रोड्यूस करती है और क्या है इसके बेनिफिट्स इफेक्ट्स, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। और दोस्तों पैकेजिंग की बात करूं तो ये वैक्स आती है इस राउंड शेप मेटालिक बॉक्स में, जिसके ऊपर आपको मिल जाएगा बियर्डो का लोगो और इसका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसके नीचे वाली साइड आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस तरह इसको यूज़ करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं और कितनी है इसकी क्वांटिटी और इसका प्राइस। तो इन डिटेल्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इसकी पैकेजिंग की मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसका जो कैप है इसमें कोई लॉक नहीं दिया, जिसकी वजह से ये काफ़ी इजिली ओपन हो जाता है। तो अगर आप इसे ट्रैवलिंग करते वक्त साथ में कैरी कर रहे हो तो आपको काफी ध्यान से इसे पैक करना होगा, नहीं तो इसका कैप खुल जाएगा और आपके कपड़े वगैरह खराब हो सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वैक्स के टेक्सचर की। तो वैक्स होती है कम्प्लीटली ब्लैकिश कलर की और इसका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा हार्ड इसको इसलिए बनाया गया है कि आपको एक अच्छा होल्ड मिल पाए अपनी बियर्ड एंड मस्टैचेस में। दोस्तों इस वैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसा होल्ड ये प्रोवाइड करती है, कितनी देर तक इसका होल्ड रहता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके पास ड्रायर है तो अपने बियर्ड एंड मुस्टैचेस को अच्छे से सुखा लेना है और अपनी डिज़ायर्ड शेप में सेट कर लेना है। उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से इस वैक्स का थोड़ा सा अमाउंट ले लेना है और उसे अपने दोनों हाथ की फिंगर से अच्छे से रब कर लेना है। तो जैसे ये वैक्स वार्म हो जाती है सबसे पहले आपने अप्लाई करना है इसे बियर्ड पे। बियर्ड पे आपने इसे डाउन साइड मोशन में अप्लाई करना होता है, और जैसे जैसे आप बियर्ड पे अप्लाई करते जाओगे आप नोटिस करोगे कि बियर्ड में थोड़ी सी ब्लैकिश टोन आ जाएगी और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी आपकी बियर्ड में आपको नजर आएगी। दोस्तों एक बेनिफिट मुझे इस वैक्स का काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आपकी बियर्ड और मस्टैचेस में थोड़े से वाइट हेयर हैं या फिर ग्रे हेयर हैं तो ये उसको भी ब्लैकिश टोन दे देती है, मीन्स टेम्पररली आपकी बियर्ड एंड मस्टैचेस में एक ब्लैकिश लुक आ जाती है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो जैसे आप इसे अपनी पूरी बियर्ड पे अप्लाई कर लेते हो फिर बारी आती है मूछों की, तो इसके लिए भी सेम अपने थोड़ा सा अमाउंट लेना है और इसे अपने सेम वैसे ही रब कर लेना है। उसके बाद अपने अपनी मूछों पे नीचे की तरफ इसे अप्लाई करना है और मस्टैचेस के बालों पे आपने इसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। उसके बाद आप अपनी मूछों को अपनी डिजायर्ड शेप में सेट कर सकते हो और आप नोटिस करोगे कि काफ़ी अच्छा होल्ड आपकी मूछों में आ जाएगा और थोड़ी सी वॉल्यूम भी ये मूछों में ऐड कर देती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वैक्स के होल्ड की। दोस्तों यकीन मानिए मैंने इस वैक्स को यूज़ करने से पहले काफ़ी सारी वैक्सेस का यूज़ किया है, लेकिन बियर्ड एंड मस्टैचेस पे इस वैक्स का होल्ड मेरे को बेस्ट लगा। तो जैसे आप इसे एक बार यूज़ कर लेते हो 3-4 घंटे तक इसका होल्ड कहीं नहीं जाता। तो चाहे आप पार्टीज में जा रहे हो, फंक्शंस में जा रहे हो, डीजे पे नाच रहे हो, गा रहे हो, फिर भी इसका होल्ड कहीं नहीं जाएगा। तो इस वैक्स से आपको स्ट्रांग होल्ड देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों समर अप कर लेते हैं इस वैक्स के बेनिफिट्स को। तो इस वैक्स से मेनली आपको 4 बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट है कि बालों में ये थोड़ी ब्लैकिश टोन ऐड कर देती है। दूसरा बेनिफिट है कि इससे बालों में वॉल्यूम भी आ जाती है। तीसरा बेनिफिट है कि ये वैक्स स्ट्रांग होल्ड प्रोवाइड करती है। और चौथा बेनिफिट है कि ये वैक्स इजी टू वॉश है। दोस्तों इस वैक्स को जितना आसान लगाना है उतना ही आसान इसको उतारना है, क्योंकि ये वैक्स काफ़ी हद तक वाटर सॉल्युबल है। तो पानी की मदद से जैसे आप अपनी दाढ़ी और मूछों को वॉश करोगे ये वैक्स भी साथ ही उतर जाती है। तो ये चीज़ मुझे इस वैक्स की काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों एक क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम इस वैक्स को डेली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस वैक्स के इंग्रेडिएंट्स पे नज़र मारें तो आप देखोगे कि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स नेचुरल यूज़ किए गए हैं और कुछ इसमें केमिकल्स का भी यूज़ किया गया है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसको हफ्ते में 4 या 5 दिन यूज़ कीजिए, जो बाकी बचे दिन हैं उनमें आपने यूज़ करना है एक अच्छे से बियर्ड ऑयल का, ताकि आपकी बियर्ड एंड मस्टैचेस को प्रॉपर नरिशमेंट भी मिल पाए और बालों में जो हेयर फॉल वगैरह होती है उससे आप बच पाएँ। तो दोस्तों ये वैक्स काफ़ी अच्छी है और मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा, लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। एक है इसकी ये जो लूज़ पैकेजिंग और दूसरी चीज़ है इसका MRP प्राइस। इसका MRP प्राइस यहाँ पे जो लिस्टेड है वो है 450 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये वैक्स काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होती है, तो एक बार अगर आप इसे खरीद लेते हो तो आपके काफ़ी महीने चल जाएगी। और अगर आप इस वैक्स को सस्ते प्राइस में खरीदना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वहां
से आप इसे 300 के आसपास की ही खरीद सकते हो। जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।